हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज हमने प्रीवियस सेशंस में पूरा जो चैप्टर नंबर वन है फिनिश कर दिया और आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डैट इज़ मैनेजमेंट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो ऑल द स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखेंगे कि आज के ज़माने में मैनेजमेंट कैसी है आज का जो तो वर्ल्ड है वो पूरा जेनजीज का है सो so, अभी जो बिजनेस हाउसेस हैं वो भी बहुत ही कूल कल्चर अडाप्ट कर रहे हैं जो जेनजीज अडेप्ट uh, कर पाए अलॉन्ग विदरेशन गैप ऑल्सो विदीज इन पिक्चर एज वेल एज अदर पीपल वर्किंग इन पिक्चर सारी जनरेशन एक साथ काम कर रही है इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेश मैनेजमेंट है क्या और हम ग्लोबल विलेज कैसे बन रहे हैं उस बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में ओके सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आप इसको कंसेप्चुअली समझ पाओगे आप सभी हैं, इंडिया के फेवरेट यूट्यूब चैनल लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया डेट इज मैग्नेट ब्रिंस सो so, हम आपको तैयारी करवाते हैं किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्थ तक की कंप्लीटली फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वी मेक यू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड सम स्टेट बोर्ड एज वेल अगर आपको ई e नोट्स या ई e बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ऑल द थिंग्स उठा लीजिए अपने वेपन्स कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट करिए इस वीडियो को ओके सो मैनेजमेंट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट आर चेंजिंग हर दिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है नई टेक्नोलॉजी आ रही है नए रिसोर्स आ रहे हैं सो है। so, जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रही है साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशंस भी चेंज हो रही हैं ओके एज द बाउंड्रीज बिटवीन कल्चर एंड नेचर्स गेट ब्लर्ड एंड न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल रिलेशनशिप इज रैपिडली एक्सपेंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आज क्या लिंक करके बैठा है ठीक है इनके जो बीच में ट्रेड हो रही है एक इकलौती चीज़ है जो इस ट्रेड को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में लिंक करवा रही है वो है कम्युनिकेशन ठीक है आप कम्युनिकेशन के अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू कॉल्स के थ्रू फैक्स मशीन के थ्रू एंड अ लॉट मोर ठीक है सो हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज है ऐसा सोचना तो बनता है यहाँ पर हम इंटरनेशनल और इंटरकल्चरल बैरियर्स को हटा के ट्रेड कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी आज कुछ ऐसा ही डाइवर्सिफाइड टॉपिक बन चुका है ओके सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या है ग्लोबल है आज अगर मेरा एक स्मॉल बिजनेस भी है ना मैं घर पे बैठ के स्क्रंचीज भी बनाऊं तो भी मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकती हूँ फॉरेन कंट्रीज में ठीक है अगर सीता फ्रॉम इंडिया इज़ ऑर्डरिंग अ स्क्रंची अ हेयर बो फ्रॉम माय बिजनेस अ फर्नांडिस कैन यूएस फर्नांडिस फ्रॉम यूएस कैन आल्सो ऑर्डर एंड एनी अदर सो जैन यूएस यू कैन ऑल्सो ऑर्डर स्क्रंची फ्रॉम माई बिजनेस तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया ऑब्वियसली कुरियर सर्विसेज जो हमारी कंट्री टू कंट्री को कनेक्ट करती हैं और उसके साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है इंटरनेट है एंड अ लॉट मोर ऑफ स्टफ। सो हर बिजनेस में जो मैनेजमेंट है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में वो यही मैनेजमेंट है कि आज कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है आप जब बिजनेस चालू करते हो तो सोचते हो ओके सर्वाइवल स्टेज तक आ चुका है फिर ग्रोथ होती है तो जब एक्सपेंशन होता है तो आप केवल इंटरनल एक्सपेंशन नहीं करते विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आप एक्सटर्नल एक्सपेंशन भी करते हो आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो ओके okay? सो so, ये है अपना मैनेजमेंट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी चलिए इसको और इलाबोरेटिव वर्जन में देखते हैं डायनमिक्स ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर इंडीड शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ मोर ग्लोबल परस्पेक्टिव विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज कल्चर्स सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन तो क्या क्या इंटरकनेक्टेड चीजें हैं इकोनॉमीज़, कल्चर्स सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल स्केल पे जा रही हैं तो बेसिकली मैनेजिंग अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ न्यू एंस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन स्टाइल्स मार्केट ट्रेंड्स अक्रॉस वेरियस इट इज़ नो लॉन्गर सफिशेंट टू हैव नैरो फोकस लिमिटेड टू ओन कंट्री और रीजन इंस्टेड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडोप्ट अ ग्लोबल माइंड सेट हर लाइन में यही बोल रहे हैं आज एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहना है अगर वो ग्रोथ देख रहे हैं मॉडर्न एरा में तो उनको आउटसाइड कंट्रीज में जाना है ताकि हमारे इंडिया में पैसे आ सके तो ग्लोबल माइंड रखना है हर लाइन में एक ही चीज़ बोली जा रही है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ओके okay? नाउ नेक्स्ट शिफ्ट टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन अगेन ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ ईजी चेरी ऑन द केक बस ठीक है ईजी केक वॉक नहीं है कि चलो ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केक पे एक छोटी सी चेरी रख गई नो इट इज नॉट अ केक वॉक आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी बट उसके साथ दिक्कतें भी बहुत आएंगी टू द मैनेजमेंट ठीक है on one hand, it allows organization to access new markets, talent pools, and resources. on the other hand, it requires navigating complexities such as language barrier, regulatory differences, and cultural sensitivities. suppose you open a business and you are running it very effectively in south india because you belong from south then you try to cross the barriers of language which you already exist in yourself as a manager then you try to cross those barriers and move ahead to the other states as well like madhya pradesh maharashtra gujarat and a lot more states okay so you india to product ko acche se manage kar liya, circulate kar liya. but when you go to other uh, countries like Japan, like China, like US. So you have to communicate to them their, your product. You will need a translator, you will need uh, your skills and abilities to tell the investors that why they should invest in your product or why they should buy your product or circulate in their countries. And for that, you need to face a lot of complexities. Of oh, complexities. Kaisi ho sakti hai? लैंग्वेज बैरियर पहली रेगुलेटरी डिफरेंसेस आपका चाल चलन जो इंडिया में है ज़रूरी नहीं है कि वो विदेश में भी वैसा ही हो आपको वहाँ का चाल चलन अडाप्ट करना पड़ेगा एज अ मैनेजमेंट फिर कल्चरल सेंसिटिविटीज आपको पता ही होगा आई शुड नॉट से इट हियर बट आई एम सेंग इट कि रेसिज्म एक रियल थिंग है के कल्चरल डिफरेंसेस हैं पीपल डोंट एक्सेप्ट पीपल दीस डेज दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट पीपल सो दैट्स व्हाई यहां पर कल्चरल सेंसिटिविटीज को भी मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस करते हुए हम डोमेस्टिक टेरिटरी को क्रॉस करके इंटरनेशनल बॉर्डर्स uh, में इंटरनेशनल कंट्रीज में जाते हैं So, और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो एक बहुत बड़ी बात है सो so, आज के ज़माने में यही बड़ी बात को अचीव करना ही मैनेजमेंट का उद्देश्य होना चाहिए ओके सो इफेक्टिव लीडरशिप इन ग्लोबल कंटेक्सट इन वॉल्व डाइवर्सिटीज फॉस्टरिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अडेप्टिंग मैनेजमेंट मतलब हर चीज वहाँ की अपन को अडेप्ट करनी पड़ेगी ओके नाउ स्टूडेंट्स ओवरऑल ट्रेंड टूवर्ड्स ग्लोबल मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ अवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एंडर अंडरस्कोस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी अडेप्टबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ठीक है सो ये था अपना टॉपिक ऑफ वॉट इज़ द मैनेजमेंट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो इक्कीसवीं सदी में मैनेजमेंट कुछ नहीं है बस बेसिकली क्या है कि आपको जब ऑर्गेनाइजेशन आप मैनेज करना चालू करें तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हो सर्वाइवल उसके बाद क्या होता है प्रॉफिट उसके बाद क्या होता है ग्रोथ अब ग्रोथ में आपको इंडिया के दायरे में नहीं रहना है यू हैव टू मेक और यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल विलेज ठीक है आपको इंटरनेशनल एरियाज में भी जाना है एंड अपने प्रोडक्ट को सर्कुलेट करना है सो दिस वॉज द मैनेजमेंट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो यू नो वॉट यू हैव टू डू एंड वेयर यू हैव टू अचीव यू हैव टू स्टेप योर फूड ग्लोबली इधर यू गो देर एंड स्टेप योर फूड और यू डू इट ऑनलाइन सो इट्स ऑल इन द माइंड एंड इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ओके स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा चैप्टर अभी एंड होता है चैप्टर नंबर वन दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देन हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देन हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ओके सो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे और आप प्लीज मैग्नेट ब्रेन चैनल का जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करिए और जो हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ हम आपको प्रोवाइड करते हैं किंडर से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज मान लीजिए आप फिफ्थ क्लास में आप सिक्स क्लास में आप सेवेंथ क्लास में एटथ क्लास में नाइन्थ क्लास में किंडर से लेकर ट्वेल्थ तक की किसी भी क्लास में आपको सारे चैप्टर्स अपडेटेड करिकुलम चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सब टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन केस स्टडीज एग्जाम्पल्स सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन वन शॉर्ट रिविजन्स एम सी क्यूज वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्रैश कोर्स सब अवेलेबल है ठीक है डाट टू आपसोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए तो ये इंडिया का इकलौता लौता यूट्यूब चैनल है जो बच्चे वेट करते हैं कि कब कोर्स आएगा सो so, आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ये कोर्स देख रहे हैं और आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं सो so, मैं ये बोलूँगी कि क्यों ना आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको सजेस्ट करें सो so, इसलिए आपको इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है एंड चैनल की लिंक उन बच्चों को देनी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हेवी एजुकेशन फीस ओके नाउ इसके साथ साथ हर सिलेबस आपको क्वालिटी में प्रोवाइड होता है ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक मिस हो एक एक टॉपिक इन डेप्थ कवरेज है ओके नाउ वी हैव आ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर एंड इंस्टाग्राम वी हैव एंड व्हाट्सएप वी हैव सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस इन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम दिस वी मेक यू प्रिपेयर फॉर सी बोर्ड एंड ऑल दिस स्टेट बोर्ड्स ओके इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन वेदिक मैथ्स यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द वैदिक मैथ्स कोर्स इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन इनहसिंग योर इंग्लिश यू कैन चेक आउट और स्पोकन इंग्लिश कोर्स इफ यू वॉन्ट ई बुक्स एंड ई नोट्स वी ऑल्सो हैव ई नोट्स एंड ई बुक्स यू कैन एक्सेस दो विद द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ओके स्टूडेंट्स सो मिलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाली क्लास में अपनी क्यू एन रजिस्टर जरूर रेडी रखना थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे